हेलो फ्रेंड्स, मैं समृद्धि तिवारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्यूब एक्सप्लोजर बनाना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वो पसंद आए, तो लाइक करना, वैसे आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हम एक शीट को 18.5 x 21 सेंटीमीटर में काट लेंगे। सेवन सेंटीमीटर के तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे और 18.5 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड देन 1.5 सेंटीमीटर से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा पार्ट जितने भी हैं वो हम कट कर देंगे। तो ये हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जिन्हें हमें कट करना है। सेम ऐसा ही हमें इसका एक और पेयर बना लेना है और इसको आप फोल्ड करेंगे, लेकिन फोल्ड करने से पहले हम इसमें ब्लेड से लाइन पे हल्का सा कट लगाएंगे ताकि हमें इजीली फोल्ड कर सकें। अब हमें 16 सेंटीमीटर इलास्टिक या रबर, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 16 सेंटीमीटर की इलास्टिक नहीं है तो आप दो इलास्टिक को कट करके 16 सेंटीमीटर ही लीजिए। हमने जो ये फोल्ड किया था, अब हमें यहां पे एक छोटा सा होल करना है जिसमें हम इलास्टिक को टाई अप करेंगे। हमने जो ये फोल्ड किया था, अब हमें यहां पे एक छोटा सा होल करना है जिसमें हम इलास्टिक को टाई अप करेंगे। अब हमें इन्हें पेस्ट करना है। यहाँ पे आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। ऐसे ही सेम ये देखने में हमें ऐसा लगेगा। ऐसे ही मैंने और बना के रख लिए हैं, आप भी बना लीजिए। और अब हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे जिससे हम इसे कवर अप करेंगे। बॉक्स का बेस बनाने के लिए थोड़ी सी आप हार्ड शीट लेके तो बॉक्स अच्छा बनेगा।
अब हम इसके बॉक्स बनाएंगे। हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है, अब हम इसमें अपने क्यूब को पुट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।